सोलर सिस्टम। कैसे हो दोस्तों, सोच रहे हो कि मैं कहां हूं? मैं अंतरिक्ष में हूं। और आपको पता है कि यह क्या है? यह है आकाशगंगा और इसे कहा जाता है मिल्की वे। आप ये देख रहे हैं, ये चमकीली रोशनी हमारा सौर मंडल है जहां हम रहते हैं। आ जाइए जरा पास से देखते हैं हमारे सौर मंडल को, तो फिर आ जाइए। तो दोस्तों, हमारा सौर मंडल कुछ ऐसा लगता है। इसमें सारे ग्रह सूरज के आसपास घूमते हैं। सूरज सारे ग्रहों की रोशनी का मुख्य स्रोत होता है। हमारे सौर मंडल में 8 मुख्य ग्रह होते हैं। मर्क्यूरी सूरज के सबसे पास होता है। मर्क्यूरी में एक साल में 88 दिन होते हैं। और आपको पता है, आप मर्क्यूरी को धरती से साल 2016 में देख पाएंगे। वीनस सूरज से दूर दूसरा ग्रह है और ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है, इसलिए क्योंकि इसमें काफी सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो अंदर की तरफ गर्मी देती है। धरती, ये है मेरा पसंदीदा ग्रह और वजह आप सबको पता है। धरती एक अनोखा ग्रह है। यहाँ का मौसम काफी अच्छा होता है। यहाँ पर पानी और जमीन हमें जिंदा रहने में मदद करती है। चांद एक प्राकृतिक उपग्रह है धरती का। मार्स को अक्सर लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि ये लाल रंग का होता है। दोस्तों, यहाँ पर काफी सारी धूल होती है जो कई महीने तक यहाँ रहती है और पूरे ग्रह को ढक लेती है। जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों, इसके 4 चांद होते हैं। जुपिटर में एक दिन 9 घंटे और 55 मिनट का होता है। ये किसी भी ग्रह का सबसे छोटा दिन है। सैटर्न के आसपास करीब 150 जमे हुए चांद होते हैं। सबसे बड़े को कहा जाता है टाइटन। इस ग्रह के आसपास खूबसूरत गोले होते हैं जो धूल और बर्फ के बने होते हैं। यूरेनस बहुत ही ज्यादा ठंडा ग्रह होता है और दोस्तों, यहां का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ये सूरज के आसपास घूमने में 84 अर्थ ईयर्स लेता है, जिसमें से 42 साल इसे सीधी रोशनी मिलती है और बाकी टाइम ये अंधेरे में रहता है। नेपच्यून को सूरज के आसपास घूमने में 165 अर्थ ईयर्स लगते हैं। दोस्तों, इसे बर्फ का दैत्य भी कहा जाता है। इसमें करीब 14 चांद होते हैं। वाह, आज तो आपको काफी जानकारी मिल गई ना। फिलहाल मैं काफी थक गया हूँ, अभी वक्त है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ।